अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और आज देखिए बहुत ही मज़े की ब्रेकफास्ट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी है। किड्स के लिए तो बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए फैमिली और फ्रेंड के साथ। और इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। मैं रमान रहीम। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने दो बॉल पोटैटो ले लिया है, उनको मैश करके रख लिया है। ये गेहूँ का आटा है, करीब एक कप के बराबर है। इनको भी मैंने शामिल कर लिया। आप चाहे तो मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हमें हेल्दी डिश बनानी है इसलिए गेहूँ का आटा ज़्यादा बेस्ट होगा। और ये ब्लैक पेपर पाउडर हाफ टी स्पून, रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून मैंने इसमें शामिल कर लिया है। और मिक्स हर्ब और कसूरी मेथी, इनको भी इसमें शामिल कर लेना है। एक कलौंजी और अजवाइन है, इनको भी शामिल कर लेना है। और यहाँ पे मैंने हाफ कप मिल्क ऐड कर लिया है, इससे डिश और भी हेल्दी बन जाती है। आप चाहे तो वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट बेटर है कि आप दूध का भी इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे मैंने सॉल्ट शामिल कर लिया है, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर सकते हैं। और फिर सभी को एक साथ मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और यहाँ पे मैं पानी शामिल करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी ऐड करनी है। और इनको एक बैटर बना लेना है, स्मूथ सा बैटर बना लेना है हमें, बिल्कुल लम्स फ्री बैटर रेडी करके रखना है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हमें बैटर रेडी करनी है। ये अभी थोड़ी सी थिक लग रही है, तो मैं इसमें और मिल्क ऐड कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी और दूध शामिल कर लिया है, और इसको फिर एक स्मूथ सा बैटर बना के हमें रेडी करके रख लेना है। तो ये देखिए हमारी जो बैटर है बिल्कुल रेडी हो चुकी है, कंसिस्टेंसी इसकी परफेक्ट है। तो आ जाते हैं अब पैन पे। तो मैंने एक पैन प्री हीटेड करने के लिए रख दिया था गैस के ऊपर, और एक स्पून की हेल्प से हम बैटर को इसके ऊपर रख लेंगे। और चम्मच से ही हमें इसे पूरे पे फैला लेना है अच्छे से। आप पराठा कितना बड़ा बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप बैटर शामिल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्लेम को मीडियम टू लो रखा हुआ है, जिससे कि ये अच्छे से पक जाए, फिर हम इसे पलट देंगे। अदरवाइज़ आप कच्चे में ही इसे पलटेंगे तो ये टूट सकते हैं। तो इसे हमें सेकने देना है अच्छे से बिल्कुल। तो ये देखिए इसके किनारे मैं नाइफ़ की हेल्प से निकाल लूँगी। और ये देखिए अच्छे से सिक चुकी है एक साइड से, तो हम इसे पलट लेंगे अब बिल्कुल आराम से पलटिए, जिससे कि टूटे ना। और फ्रेंड यकीन मानिए कि बहुत ही मज़े की बनके रेडी होती है ये पराठा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए, बच्चों के लिए तो बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आप उनको लंच में भी पैक करके इसे दे सकते हैं, और बहुत जल्दी बन जाती है। आपको ना आटा गूंदने की ज़रूरत है ना बेलने की। तो ये देखिए मैंने इस तरह से इसको प्रेस कर करके कुक करेंगे हम यहाँ पर। मैंने फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर लिया है, और दोनों साइड से हमें कुक कर लेना अच्छे से। अब मैं यहाँ पे ऑयल लगा लूँगी, आप चाहे तो बटर या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑयल लगा लूँगी, दोनों साइड से अच्छे से हमें ऑयल लगा करके थोड़ी देर कुक कर लेना है, जिससे कि ये ऊपर से क्रिस्पी हो जाए। तो ये देखिए कितने मज़े की पराठा बनके इतनी जल्दी रेडी हो गई है। ये देखिए कितने मज़े की बनी है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हमने इसको लिक्विड डो से बनाया है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए, और फिर मुझे अपना फीडबैक देना ना भूलिए कि आपको रेसिपी कैसी लगी, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें। तो ये देखिए अब इसी तरह से इसी प्रोसेस में हमने सभी पराठा को रेडी करके रख लेना है। ये देखिए इसी तरह से मैं सभी पराठा को रेडी करके रख लूँगी। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसी लगी आपको रेसिपी। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये देखिए हमारे सभी पराठे कितने सॉफ्ट और कितने मज़े की बन के रेडी हुई हैं। आप इसे दही के साथ सर्व कर सकते हैं या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार पराठा बन के रेडी हो जाती है, बहुत कम टाइम में बन जाती है। तो आई होप आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।